पिपरिया में पुलिस का फ्लैग मार्च। नर्मदापुरम जिले की पिपरिया में कल आने वाले त्योहार के मद्देनजर दोनों थाने के पुलिस स्टाम्प और एसडीओपी कल्याणी वरकड़े के मार्गदर्शन में पुलिस ने एक फ्लैग मार्च निकाला, जो नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए पिपरिया रोड स्थित थाने तक पहुंचा रहा है। स्टेशन रोड थाना प्रभारी श्री रमजू एक ने बताया कि आने वाले त्योहारों को लेकर हमने दोनों थानों के संयुक्त रूप से नगर भ्रमण किया। इसका उद्देश्य के विषय में श्री उइके ने बताया कि हमारे शहर में किसी भी प्रकार के अपराधियों का अपराध पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से हम लोग शहर में फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं। ऐसे अपराधियों में पुलिस के प्रति दहशत रहेगी और अपराध करने पर अंकुश लगेगा। सर आपका परिचय दीजिए। मैं निरीक्षक रमजू के थाना स्टेशन में पिपरिया। आज दिनांक हमारे यहाँ पे हाँ सर यहाँ पर क्या कार्यक्रम हो रहा है? अनुभव पिपरिया में फ्लैग मार्च के लिए सीआरपीएफ का दल आया हुआ था, जिनके साथ में हम लोगों ने एवं थाना मंगलवारा के स्टाफ ने एसडीओपी ये पिपरिया साहब द्वारा फ्लैग मार्च में शामिल रहकर फ्लैग मार्च किया गया। मंगलवार क्षेत्र में हथवास क्षेत्र में किया गया और थाना स्टेशन रोड के कुछबंदी मोहल्ला इतवारा टाउन मोहल्ला में फ्लैग मार्च लोक सेवा को देखते हुए किया गया। किस उद्देश्य हो रहा है फ्लैग मार्च किया गया? कि क्षेत्र में शांति बने रहे, लोग चुनाव के प्रति सतर्क रहे और किसी प्रकार का अपराध नहीं करें और चुनाव में शांति बने रहे, इसी को देखते हुए फ्लैग मार्च निकाल। खबर भारतवर्ष के लिए पिपरिया नर्मदापुरम से अर्चना मेहरा की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी फैसला जनतंत्र का।